दोस्तों आईपीएल 2020 पर गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग अप्रैल के पहले सप्ताह में होनी थी, जिसको कि अब कैंसिल कर दिया गया है। और अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कहा है कि आईपीएल 2020 पर गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग जो है वो 14 या तो 15 अप्रैल को होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस गवर्निंग काउंसिल के मीटिंग में बीसीसीआई की तरफ से कौन से 4-5 बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो और साथ ही साथ आपको आईपीएल 2020 के नए स्टार्टिंग डेट के बारे में भी बताने वाले हैं। तो बहुत ही मजेदार यह वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को देखते रहना बिल्कुल तक। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी आईपीएल के फैन कर रहे हो आईपीएल 2020 का इंतजार, तो फटाफट से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले समय में आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से इंडिया में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ अब यह खबर ये भी निकल करके सामने आ रही है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 14 अप्रैल के बाद भी इंडिया में लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। तो अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के सामने जो सबसे बड़ा दिक्कत होने वाला है वो है आईपीएल 2020 के फ्यूचर को लेकर के। तो पहला बड़ा फैसला जो है वो आईपीएल 2020 के फ्यूचर को लेकर के आ सकता है। यहाँ पर एक और बड़ा फैसला आ सकता है कि आईपीएल 2020 कब से स्टार्ट होगा, क्या होगी इसकी नई स्टार्टिंग डेट, और साथ ही साथ आईपीएल 2020 के शेड्यूल के बारे में। तो पहला बड़ा डिसीजन जो बीसीसीआई की तरफ से आएगा वो होगा आईपीएल 2020 के फ्यूचर को लेकर के। बात कर लेते हैं दूसरे बड़े डिसीजन के बारे में, तो ये है क्लोज डोर्स मैचेज को लेकर के। हाल ही में कुछ दिनों पहले बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था कि आईपीएल के आधे मैचेज क्लोज डोर्स में कराए जाएंगे, वही आधे मैचेज पब्लिक में कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार की संभावना है, ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी मैच पब्लिक के साथ कराना संभव है। तो ऐसे में अगर आईपीएल कंडक्ट होता भी है तो क्लोज डोर्स में आईपीएल 2020 के मैचेस को करवाना होगा। और दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2020 को क्लोज डोर में करवाना इसलिए जरूरी है, अगर क्लोज डोर्स में मैचेस नहीं होते हैं तो यहां पर सरकार भी बीसीसीआई को मंजूरी नहीं देने वाली है। तो इसलिए आईपीएल 2020 को क्लोज डोर में जो है वो कंडक्ट कराना होगा। बात कर लेते हैं तीसरे बड़े डिसीजन के बारे में, तो ये होने वाला है फॉर्मेट को लेकर के। हाल ही में कुछ दिनों पहले बीसीसीआई ने 3 फॉर्मेट आईपीएल 2020 के लिए रिलीज किए थे, जहां पर पहले फॉर्मेट में 60 मैचेस खेले जाने थे, दूसरे फॉर्मेट में 31 मैचेस खेले जाने थे, और तीसरे फॉर्मेट टीम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना था। तो ये 3 फॉर्मेट बीसीसीआई ने कुछ दिनों पहले रिलीज किया था। तो दोस्तों हम आपको बता दें इस बार तो ये लगभग तय नजर आ रहा है कि आईपीएल 2020 का शेड्यूल जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। मैचेज पूरे के पूरे 60 मैचेज नहीं खेले जाएंगे, सभी टीमें एक दूसरे से सिर्फ एक बार भिड़ेगी, या फिर ये हो सकता है कि ग्रुप में टीमों को बांट दिया जाए। तो ऐसे में फॉर्मेट को लेकर के यहां पर सबसे बड़ा डिसीजन बीसीसीआई की तरफ से निकल करके सामने आ सकता है। अब बात कर लेते हैं चौथे बड़े डिसीजन के बारे में, तो ये डिसीजन जो है वो फॉरेन प्लेयर्स को लेकर के आ सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडिया में 15 अप्रैल तक किसी भी विदेशी नागरिक का आना जो है वो बंद है। तो ऐसे में अगर आईपीएल 2020 स्टार्ट भी होता है तो क्या फॉरेन प्लेयर्स आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे, इसके लेकर के भी जो है वो 14 अप्रैल को गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में बड़ा डिसीजन निकल करके सामने आ सकता है। तो दोस्तों यहां पर आईपीएल 2020 पर जो सबसे बड़ा फ्यूचर पर फैसला होने वाला है वो 14 अप्रैल को होने वाला है, जहां पर सभी 8 टीमों के मालिक और साथ ही साथ सौरव गांगुली भी मौजूद रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें यहां पर संभावना यह भी है कि हो सकता है कि जिस तरीके से अप्रैल के पहले सप्ताह में होने वाली मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है, उसी प्रकार से 14 अप्रैल को होने वाली मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो यह भी अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रही है। आपको क्या लगता है आईपीएल 2020 होगा या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। और फ्रेंड्स वीडियो एंड करें उससे पहले आपको आईपीएल के स्टार्टिंग डेट के ऊपर बताएं, तो यहाँ पर हाईली चांसेस ये है कि अक्टूबर में आईपीएल 2020 होने वाला है। ये जो है वो सबसे बड़ी अपडेट है आईपीएल के स्टार्टिंग डेट को लेकर के। अक्टूबर में सबसे ज्यादा चांस है आईपीएल 2020 होने का, हो सकता है तब तक कोविड-19 का असर खत्म हो जाए, तो इसलिए अक्टूबर में आईपीएल 2020 बीसीसीआई कंडक्ट कर सकती है। इधर आईपीएल होने का कोई भी चांस जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको यह अपडेट पसंद आई है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।